हाय गाइस, माय नेम इज़ अंशिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप ऐसे डिजिटल इलस्ट्रेशंस अपने फ़ोन पर ही कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी स्टाइलस की ज़रूरत नहीं, एंड ऑल्सो जो मैं ऐप यूज़ करती हूँ एक कम्प्लीटली फ्री ऐप है एंड इट डज़ द जॉब प्रिटी वेल। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन कीप ऑन वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल बटन। So now let's get started with the video. सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से आइबिस पेंट नाम का एक ऐप डाउनलोड करना होगा एंड उसे ओपन करके प्लस आइकन पे क्लिक करना है एंड उसके बाद इम्पोर्ट पिक्चर पे क्लिक करना है। उसके बाद यू कैन सेलेक्ट योर पिक्चर एंड देन क्लिक ऑन ओरिजिनल एंड कैंसिल जस्ट लाइक आई हैव डन। सो उसके बाद ऐसा कुछ खुल जाएगा। आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। इसमें से हमें ब्रश एंड इरेजर एंड स्मज के अलावा और कोई ज़्यादा यूज़ नहीं आएगा। एंड देन ये जो स्लाइडर्स हैं, ऊपर वाले स्लाइडर से आप ब्रश की थिकनेस चेंज कर सकते हैं एंड नीचे वाले से आप उसकी ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं। इस वाले बटन से आप ब्रश सिलेक्ट कर सकते हैं। सो इसमें बहुत सारे ब्रशेज़ हैं, काफ़ी सारे ब्रशेज़ लॉक्ड है बट इनको एक ऐड देख के 18 आवर्स के लिए अनलॉक किया जा सकता है। सो मैंने अभी सारे ब्रशेज़ अनलॉक कर लिए हैं एंड यू कैन सी कितने सारे ब्रशेज़ हैं, एक वाटर कलर ब्रश, हेयर ब्रश एंड इवन क्रेयॉन ब्रश एंड मैनी मोर एक्चुअली। अदर दैन दैट ऊपर एक स्टेबलाइजर का ऑप्शन है, सो आई जस्ट शो यू इसे ऑफ करके मैंने एक लाइन बनाया है वो कैसा बना है, उसे फुल पे लगा के कैसा लग रहा है। सो यू कैन सी द डिफरेंस, स्टेबलाइजर के साथ वाला आइकन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। नाउ इफ़ यू ड्रॉ समथिंग एंड वॉन्ट टू इरेज इट तो क्या होगा कि जो पीछे का पिक्चर है वो भी इरेज हो जाएगा। सो यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स एंड बेसिकली एड अनदर लेयर ओवर द पिक्चर जिस पे यू आर गोइंग टू डू द ड्राइंग। इससे क्या होगा कि आप कुछ भी ड्रॉ करेंगे अगर एंड उसे इरेज करेंगे तो सिर्फ वही चीज़ इरेज होगी, जो पीछे पिक्चर है वो एक्चुअली दूसरे लेयर पे है तो वो नहीं इरेज होगी। ऑल्सो अगर आप स्क्रीन पे दो फिंगर से टैप करते हैं तो अंडू हो जाता है, सो दैट्स जस्ट अ फास्ट वे टू डू इट। सो नाउ इफ़ यू लॉन्ग प्रेस ऑन एनी पार्ट ऑफ द पिक्चर तो आपको उस पिक्चर का कलर पिक करके आएगा एंड आपको बेसिकली क्या करना है कि ब्रश को छोटे साइज में करके उस पार्ट को आउटलाइन करते जाना है एंड आफ्टर दिस आपको ब्रश के साइज़ को बड़ा करके उसे फिल कर देना है। दैट्स अबाउट इट। एंड इसके बाद हम इसमें थोड़े डिटेल्स और बाकी सब ऐड कर देंगे। सो एज यू कैन सी मैंने पूरा जीन्स फिल कर दिया है एंड ये उतना कुछ खास नहीं लग रहा है। सो हम इस लेयर की ओपेसिटी को कम करके बेसिकली जीन्स को आउटलाइन करने वाले हैं एंड उसमें थोड़ी और डिटेलिंग ऐड करेंगे। सो जो फिल्ड कलर है उससे एक थोड़ा डार्कर कलर लेके यहाँ पे यू कैन सी मैं जीन्स को आउटलाइन कर दे रही हूँ ताकि वो डिस्टिंग्विश हो पाए कि वो कौन सा पार्ट है लेग का। एंड इसके बाद मैं जो जीन्स पे लाइंस बने हैं, स्टिच लाइंस एंड क्रीजेस, वो सब भी उसी डार्क कलर के साथ कर दूंगी। इससे पिक्चर में थोड़ा डायमेंशन आता है एंड ये जनरली भी बेटर लगता है देखने में। एंड वाइल योर आउटलाइनिंग आपको ठीक से दिखेगा नहीं कि आप क्या आउटलाइन कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअली हमने इस लेयर की ओपेसिटी कम कर दी है, बट ये कंप्लीट करने के बाद जब आप ओपेसिटी बढ़ा देंगे तो आपको वो क्लियरली दिख जाएगा। ऑल्सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड क्योंकि मैं काफ़ी सारे अलग अलग पार्ट्स कैसे करते हैं उन सब के टिप्स देती रहूँगी। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने वो क्रीजेस जो दिखाई दे रहे हैं जीन्स पे वो सब भी कलर कर दिए हैं। एंड ऑल्सो जो हमने ये क्रीजेस बनाए हैं इनके एंड्स को अगर हम लोग थोड़ा पॉइंटेड करेंगे तो बेटर लगेगा। सो डार्क कलर से मैंने क्रीज बना लिया एंड उसके बाद मैं लाइटर कलर से उनके एंड्स पे डायगनली ब्रश करूँगी तो वो अपने आप पॉइंटेड हो जाएगा कुछ इस तरह। मैंने बाकी पार्ट्स भी कलर कर दिए जैसे कि जीन्स, टॉप एंड स्किन एंड एज यू कैन सी मैंने
स्किन में भी डिटेलिंग डाली है लाइक फिंगर्स की एंड ऑल ऑफ दैट। फेस और हेयर को भी सेम वे में कलर किया है। अब मैं हेयर से थोड़ा लाइटर कलर लेने वाली हूँ स्ट्रीक्स बनाने के लिए। इसके लिए मैंने नॉर्मल ड्राइंग ब्रश नहीं चूज़ किया, मैंने हेयर वाला ब्रश चूज़ किया है। सो मैं हेयर वाले ब्रश को लेके कुछ थोड़े बहुत स्ट्रीक्स लोअर हेयर में बनाने वाली हूँ। एंड इसके बाद मैं स्मज टूल लेके इन्हें थोड़ा स्मज कर दूँगी। सो अब मैं बेसिकली हेयर के स्ट्रोक्स स्मज करने वाली हूँ स्मज टूल से। एंड इसके जो सेटिंग्स हैं नीचे जो दो स्लाइडर्स हैं वो ट्रायल एंड एरर से सेट करने होते हैं। तो मैंने थोड़ा बहुत ट्रायल करके देखा कि बेस्ट इफ़ेक्ट इसी सेटिंग पे आ रहा है, तो मैंने यही चूज़ किया। एंड देन आई बेसिकली वेंट ऑन टू स्मज ऑल द लाइटर ब्राउन वाले स्ट्रोक्स टू गिव अ स्ट्रीक्स वाला फीलिंग, क्योंकि ओरिजिनल पिक्चर में भी ब्राउन स्ट्रीक्स थे इसलिए। एंड फाइनली ये ऐसा लग रहा है, इट्स काइंड ऑफ सिमिलर टू द ओरिजिनल वन, तो ठीक है। अब मैंने हैट को भी नॉर्मल वे में फिल कर दिया है, बट जो उस पर लीव्स एंड फ्लावर्स बने हैं उसके लिए मैं लीव्स एंड फ्लावर्स वाला ब्रश यूज़ करने वाली हूँ। सो जिस भी डायरेक्शन में आपको लीफ चाहिए उसी डायरेक्शन में आप अगर अपना थंब स्वाइप करेंगे तो वो लीफ उसी डायरेक्शन में आएगा। इसके बाद फ्लावर्स के लिए मैं ये पियोनी फ्लावर वाला ब्रश यूज़ करने वाली हूँ। सो अनदर टिप विच आई फॉरगॉट टू मेंशन अर्लियर कि फेस पे जो कलर करते हैं उससे थोड़ा डार्कर शेड यूज़ करना चाहिए फॉर द नेक। उससे भी थोड़ा डायमेंशन आता है, थोड़ा डिफ्रेंशिएशन होता है कि हाँ ये फेस है एंड ये नेक है, वरना वो पूरा सेम लगता है, दैट डजन लुक दैट गुड। सो फाइनली अब बैकग्राउंड ही बचा है। सो बैकग्राउंड के लिए जो हमारा ड्राइंग वाला लेयर है एंड जो पिक्चर वाला लेयर है उन दोनों के बीच में मैं एक नया लेयर बनाने वाली हूँ। सो अब आप देख सकते हैं नंबर टू बोल के एक न्यू ब्लैंक लेयर बन चुका है। इस पे जो भी हम बनाएंगे वो हमारे ड्राइंग एंड पिक्चर दोनों लेयर्स के बीच में बनेगा। सो यू डोंट रियली नीड टू बी केयरफुल विद द कॉर्नर्स एंड एजेस। सो मैं रग को वाइट करने वाली हूँ एंड बाकी जो पूरा बैकग्राउंड है उसको मैं कोई एक सिंगल कलर से ही कलर करने वाली हूँ। एंड पूरा कंप्लीट होने के बाद आप या तो सेव एस PNG कर सकते हैं या फिर गैलरी में जा सकते हैं। एंड गैलरी में आपको ऑप्शंस मिलेंगे टू सेव इट एस PNG, JPEG या फिर सेव द होल टाइम लैप्स ऑफ यू मेकिंग इट एज एन MP4। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा। एंड अगर आप कोई भी इलस्ट्रेशन बनाते हैं तो आई वुड लव टू सी इट, सो डू टैग मी ऑन Instagram. That's all for this video. See you next time.